स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 5, हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड्स का मतलब होता है हमारे मददनीय हाथ। हेल्पिंग यानी कि मदद करना और हैंड्स यानी कि हाथ, कुछ ऐसे हाथ जो हमारी हमेशा मदद करते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्टिविटी 1A। नीचेनू काव्य सांभळो अने अभिनय साथे गाओ। यहाँ पे हमें एक पोयम दे रखी है जिसे हम पढ़ेंगे। द पोटर इज बिजी मेकिंग पोट्स, द फार्मर इज बिजी विथ फार्मिंग, द टेलर इज बिजी कटिंग द क्लोथ एंड स्टिचिंग स्टिचिंग स्टिचिंग। तो देखो बच्चों, आपको इसमें क्या बोला है, जो आपको इसमें क्या बोला है, द पोटर इज बिजी मेकिंग पोट्स। पोटर का मतलब होता है कुम्हार। कुम्हार किस में बिजी है? पोट्स। पोट्स यानी कि मटके बनाने में बिजी है। द फार्मर इज बिजी विथ फार्मिंग। द फार्मर का मतलब होता है किसान। किसान किस में बिजी है? फार्मिंग करने में। फार्मिंग का मतलब होता है खेती करने में। द टेलर इज बिजी कटिंग द क्लोथ। टेलर यानी कि दर्जी, जो आपके कपड़े सिलते हैं, जिसके पास आप अपने कपड़े सिलवाते हो, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेलर बोलते हैं। तो वो किस में बिजी है? कटिंग द क्लोथ्स, यानी कि क्लोथ्स यानी कि होता है कपड़े। कपड़े कट करने में, कपड़े काटने में बिजी है। एंड स्टिचिंग स्टिचिंग स्टिचिंग। स्टिचिंग यानी सिलना। और किस में बिजी है? कपड़े कट करने में और कपड़े सिलने में बिजी है। अब हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। द ड्राइवर इज बिजी विद ड्राइविंग, एन इंजीनियर इज बिजी विद स्केलिंग, द टीचर इज बिजी विद चिल्ड्रन प्लेइंग स्टडाइंग एंड टीचिंग। अब देखो, ड्राइवर यानी तो आपको पता है ना, जो गाड़ी चलाते कार चलाते उसे क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर किस में बिजी है? ड्राइविंग करने में बिजी है। इंजीनियर किस में बिजी है? स्केलिंग यानी कि माप लेने में बिजी है। और द टीचर इज बिजी विद द चिल्ड्रन। टीचर किस में बिजी है? चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में बिजी है। और प्लेइंग स्टडाइंग एंड टीचिंग, खिलाने में, पढ़ाई करने में और उनको सिखाने, टीचिंग यानी कि सिखाने में बिजी है। द फोटोग्राफर इज बिजी विद क्लिकिंग, द सेलर इज बिजी विद सेलिंग, द कारपेंटर इज बिजी विद हिज वुड मेजरिंग कटिंग एंड जॉइनिंग। जो फोटोग्राफर यानी जो फोटोज खींचता है, क्लिकिंग यानी कि खींचना। तो जो फोटोग्राफर है वो किस में बिजी है? फोटोज खींचने में बिजी है। जैसे कि आप शादी में जाते हो तो देखते हो ना, फोटोग्राफर हमेशा से फोटोज खींचने में बिजी रहता है। द सेलर इज बिजी विद सेलिंग। सेलर यानी कि जो चीज़ें बेचता है, यानी आप कहीं दुकान में जाओगे तो चीज़ें खरीदोगे ना, तो वो जो दुकानदार होता है वो चीज़ें बेचता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेलर बोलेंगे। तो वो किस में बिजी है? सेलिंग यानी कि अपनी चीज़ें बेचने में बिजी है। सेलिंग का मतलब होता है बेचना और सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। द कारपेंटर इज बिजी विद हिज वुड मेजरिंग कटिंग एंड जॉइनिंग। कारपेंटर का मतलब होता है सुथार। वो किस में बिजी है? वुड यानी कि लकड़ा। मेजरिंग यानी कि माप लेना, कटिंग यानी काटना और जॉइनिंग यानी कि उसे जोड़ना। तो कारपेंटर किस में बिजी है? लकड़े को काटने में, माप लेने में और जोड़ने में बिजी है। द लॉयर इज बिजी विथ लॉ एंड ऑर्डर, द पुलिसमैन इज बिजी विथ पुलिसिंग, द शू मेकर इज बिजी विथ मेंडिंग शूज विथ स्टिचिंग स्टिकिंग एंड रेड टेटिंग। तो लॉयर का मतलब होता है वकील। वकील किस में बिजी है? अपने लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और कायदे में बिजी है। द पुलिसमैन तो पता ही होगा आपको, क्या जो पुलिस होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? पुलिसमैन। पुलिसमैन किस में बिजी है? अपने पुलिसिंग के काम में बिजी है। द शू मेकर यानी कि जूते बनाने वाला। शू यानी कि जूते। शू मेकर यानी जूते बनाने वाला। तो शू मेकर किस में बिजी है? मेंडिंग शूज यानी कि जूते बनाने में, उसे सिलने में और उसे जोड़ने में बिजी है। द डांसर इज बिजी विद डांसिंग, द सिंगर इज बिजी विद सिंगिंग, द प्लेयर इज बिजी विद प्लेइंग किकिंग थ्रोइंग एंड बैटिंग। तो डांसर किस में बिजी है? डांसिंग में बिजी है। द सिंगर किस में बिजी है? गाने में बिजी है। सिंगिंग यानी कि गाने में बिजी है। और प्लेयर किस में बिजी है? प्लेयर यानी खिलाड़ी। वो किस में बिजी है? प्लेइंग यानी कि खेलने में। किकिंग यानी कि लात मारना, जैसे कि फुटबॉल को मारते हो ना, किक मारते हो, वैसे किकिंग में बिजी है। थ्रोइंग यानी कि फेंकना, जैसे बॉल क्रिकेट में करते हैं बॉल फेंकना और बैटिंग करना। तो प्लेयर किस में बिजी है? किकिंग थ्रोइंग एंड बैटिंग में बिजी है। तो चलो बच्चों, यहाँ हमारी पोयम खत्म हुई। आप लोगों को समझ में आई पोयम ये?
तो चलो अब हम इसका एक्टिविटी 1A का बी करेंगे। आ अभियान घेतने आम आगळ वधारता जई दरेक तासनी शुरुआतमां गवडाओ। अब जैसे हमने ये आगे की पोयम पढ़ी ना, वैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे, उससे हमें क्या बनानी है, एक पोयम बनानी है। अब पोस्टमैन, पोस्टमैन का मतलब क्या होता है, डाकिया, जो हमारे घर पे डाक दे के जाता है ना, पत्र दे के जाता है। डिलीवरिंग अ लेटर, डिलीवरिंग यानी कि लेटर यानी पत्र जो हमारे घर पे दे के जाता है, कौन देता है, पोस्टमैन। अ नर्स, नर्स नर्सिंग द पेशेंट, तो नर्स यानी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो नर्स होते हैं जो आपका चेकअप करते, तो नर्स किस नर्स क्या कर रही है, नर्सिंग द पेशेंट यानी कि मरीजों को चेक कर रही है। अ कंडक्टर गिविंग टिकट्स, कंडक्टर यानी जब आप बस में कहीं जाते हो तो जिससे आप टिकट लेते हो उसे क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर किस में बिजी है, गिविंग टिकट्स, टिकट देने में। तो इसकी पोएम क्या बनेगी, द पोस्टमैन इज बिजी विद डिलीवरिंग लेटर्स, द नर्स इज बिजी विथ नर्सिंग द पेशेंट, द कंडक्टर इज बिजी विथ गिविंग अ टिकट्स। तो देखो बच्चों, अब इन वर्ड्स को यूज करके हमने एक पोयम का एक स्टैंजा बनाया। वैसे आप कुछ और वर्ड्स अपने आप से बना के फिर आगे पोयम और भी बना सकते हो। चलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्टिविटी 1 का सी। जूथ में काम करो, अभिनय गीत वाचो, उदाहरण ना आधारे खाली जगह पूरो। अब देखो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसे देखकर हमें आपकी बुक में ना यहाँ पे जगह ब्लैंक दे रखी होगी, तो उसे क्या करना है, आपको भरना है इस एग्जाम्पल को देख के। अ टीचर इज बिजी विथ टीचिंग इन हर क्लासरूम, तो टीचर किसमें बिजी है, अपने क्लासरूम में टीचिंग, टीचिंग यानी कि बच्चों को सिखाने में, टीचिंग कराने में बिजी है। तो अब देखो पहला देखते, द फार्मर इज बिजी विथ एट द फार्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, फार्मिंग, फार्मर यानी कि किसान, किसान किसमें बिजी है, फार्म में किसमें बिजी है, फार्मिंग करने में बिजी है यानी कि खेती करने में बिजी है। द पुलिसमैन इज डूइंग, पुलिसमैन क्या करता है, पुलिसिंग करेगा, तो पुलिसमैन इज डूइंग पुलिसिंग। द शू मेकर इज शू एट हिज शॉप, तो क्या, तो शू मेकर क्या करेगा, जूते बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेंडिंग शू एट हिज शॉप। द ड्राइवर इज द व्हीकल, तो यहाँ पे ड्राइवर किस में बिजी है, ड्राइविंग करने में, तो यहाँ पे व्हीकल को क्या करेगा, ड्राइविंग करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइविंग, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द व्हीकल। द लॉयर इज बिजी विथ लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉयर किस में बिजी है, लॉ एंड ऑर्डर में। द प्लेयर इज प्लेइंग द गेम एट द प्ले ग्राउंड, प्लेयर क्या कर रहा है, प्लेइंग यानी कि खेल रहा है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड में खेल के मैदान में क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेइंग आएगा। द पोर्टर इज मेकिंग द पोर्ट एट हिज फैक्ट्री और होम, तो पोर्टर किस में बिजी है, क्या बनाने में बिजी है, मेकिंग यानी कि बनाने में, क्या, पोर्ट, पोर्ट यानी मटका बनाने में, तो पोर्टर इज यहाँ पे क्या आएगा, मेकिंग द पोर्ट एट फैक्ट्री और होम। द इंजीनियर इज स्केलिंग द मैप, तो इंजीनियर क्या कर रहा है, मैप, मैप यानी कि नक्शा, और स्केलिंग यानी कि माप लेना, इंजीनियर क्या कर रहा है, नक्शे का माप लेना। द फ्रूट सेलर इज सेलिंग फ्रूट एट द मार्केट, सेलर मैंने बताया था बेचने वाला, तो यहाँ पे कौन है, फ्रूट सेलर, सेलर क्या करेगा, सेलिंग करेगा यानी अपने फ्रूट बेचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग, सेलिंग यानी कि बेचना, तो वो क्या कर रहा है, तो फ्रूट सेलर इज सेलिंग फ्रूट एट द मार्केट, मार्केट में क्या कर रहा है, अपने फ्रूट बेच रहा है। द डांसर इज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो डांसिंग कौन करेगा, स्टेज पे डांसर ही करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डांसर आएगा, जो क्या कर रहा है, स्टेज पे डांस कर रहा है। द टेलर इज बिजी विथ कटिंग द क्लोथ्स एंड स्टिचिंग देम एट हिज शॉप, तो टेलर यानी कि मैंने बताया था आपको दर्जी, वो क्या कर रहा है, कपड़े कट कर रहा है, और कट करने के बाद क्या करेगा, उसे सिलेगा भी, तो स्टिचिंग यानी कि सिलना, यानी वो अपनी दुकान में क्या कर रहा है, कपड़े कट कर रहा है और स्टिचिंग यानी सिल रहा है। द सिंगर इज सिंगिंग गरबा एट द नवरात्रि, तो गरबा कौन गाएगा, सिंगर ही गाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगर, गर्भ नवरात्रि में गरबा कौन गाएगा, सिंगर, तो सिंगर क्या कर रहा है, नवरात्रि में गरबा गा रहा है। द पोस्टमैन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स इन एरिया, पोस्टमैन यानी कि डाकिया किसमें बिज क्या कर रहा है, लेटर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि बांटना, लेटर्स बांट रहा है कहाँ पे, अपने एरिया में। द नर्स इज नर्सिंग द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को
संभाल रही है, यानी कि नर्सिंग, यानी कि उसकी देखरेख कर रही है। किसकी? मरीज की देखरेख कर रही है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। द गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डनर यानी कि माली, जो बाग बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है ना, वो तो वो किस में बिजी है? वॉटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डन में प्लांट्स को यानी कि पौधों को पानी दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड्स मैंने दिखा दिए आपको, कौन से वर्ड्स आएंगे, तो ये क्या करना है आपको, अपनी बुक में लिखना है, फील करना है उसे। तो अब हम करेंगे एक्टिविटी 1D, जूथमा काम करो, गीत ने आधार है, प्रश्नोत्तर चुटका बनाओ। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रखे कुछ, उसको देख के हमें बाकी के, आपको यहाँ पे जगह दे रखे, खाली उसे क्या करना है, फील करना है। तो चलो अब हम एग्जांपल देखते हैं। वेयर इज द फार्मर। फार्मर यानी कि किसान। वेयर इज यानी कि कहाँ है, किसान कहाँ है, तो कहाँ आएगा? द फार्मर इज इन द फार्म। तो फार्म का मतलब होता है खेत, तो फार्मर कहाँ है? खेत में। हु इज एट द मार्केट। मार्केट में कौन है? तो क्या आएगा इसका आंसर? द फ्रूट सेलर एंड द कस्टमर्स आर एट द मार्केट। तो कौन है मार्केट में? फ्रूट सेलर यानी कि फ्रूट बेचने वाला, और कस्टमर तो खरीदने वाला भी होगा ना, तो कस्टमर उसे क्या बोलेंगे? ग्राहक यानी कि कस्टमर। कौन है मार्केट में? फ्रूट सेलर एंड द कस्टमर्स आर एट द मार्केट, यानी कि मार्केट में कौन है? फ्रूट सेलर और कस्टमर्स। तो बच्चों आपको इन दो एग्जांपल में समझ में आया कि इसमें क्या, देखो क्वेश्चन दे रखे और उसके आंसर दे रखे, तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने और फिर उसके आंसर्स देने। वेयर इज द टीचर। टीचर कहाँ है? द टीचर इज इन हिज क्लासरूम। टीचर कहाँ है? अपने क्लासरूम में। वेयर इज शू मेकर यानी कि जूते बनाने वाला कहाँ है? द शू मेकर इज इन हिज शॉप। शू मेकर कहाँ है? अपनी दुकान में, शॉप यानी कि दुकान में। वेयर इज द प्लेयर। प्लेयर यानी कि खिलाड़ी। प्लेयर कहाँ है? प्लेयर कहाँ होगा? अब अपने प्ले ग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? द प्लेयर इज ऑन द प्ले ग्राउंड। तो प्लेयर कहाँ है? अपने प्ले ग्राउंड पे है। वॉट इज द ड्राइवर ड्राइविंग यानी कि ड्राइवर क्या ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या ड्राइविंग करेगा? अपने व्हीकल को ड्राइविंग करेगा यानी कि अपने वाहन को चलाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? द ड्राइवर इज ड्राइविंग अ व्हीकल। व्हीकल यानी कि वाहन, अपने वाहन को ड्राइविंग करेगा। वेयर इज द टेलर। टेलर यानी दर्जी। तो दर्जी कहाँ है? द टेलर इज इन हिज शॉप। दर्जी कहाँ है? अपनी दुकान में। वॉट इज द टेलर डूइंग। टेलर क्या कर रहा है? डूइंग यानी कि करना। वॉट इज द टेलर डूइंग यानी कि टेलर क्या कर रहा है? द टेलर इज स्टिचिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स यानी कि कपड़े। स्टिचिंग यानी कि सिलना, तो टेलर क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है। वेयर इज द नर्स। नर्स कहाँ है? द नर्स इज इन द हॉस्पिटल। नर्स कहाँ होगी? अब हॉस्पिटल में होगी, तो क्या आएगा इसका आंसर? द नर्स इज इन द हॉस्पिटल। वेयर इज द पोस्टमैन। अब डाकिया कहाँ है? क्या आएगा इसका आंसर? द डाकिया इज इन हिज एरिया। वो कहाँ है? अपने एरिया में। वॉट इज द पोस्टमैन डूइंग। डूइंग मैंने जैसे अभी बताया कि करना, तो पोस्टमैन क्या कर रहा है? तो क्या करेगा पोस्टमैन? डिलीवर करेगा लेटर्स को। तो इसका आंसर क्या आएगा? द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द लेटर्स यानी कि अपने लेटर्स बांट रहा है वो। वेयर इज द डांसर। द डांसर इज ऑन द स्टेज। डांसर कहाँ है? स्टेज पे है। वेयर इज द पोर्टर। द पोर्टर इज एट होम। अब पोर्टर यानी कि कुमार। कुमार मटके कहाँ बनाता है? घर पे बनाता है, तो पोर्टर कहाँ होगा? अपने घर पे। तो आंसर क्या आएगा? द पोर्टर इज एट होम। वॉट इज पोर्टर डूइंग। पोर्टर क्या बना रहा है यानी कि क्या कर रहा है? द पोर्टर इज मेकिंग पोर्ट्स यानी पोर्टर क्या बना रहा है? पोर्ट्स यानी कि मटके बना रहा है। वेयर इज द गार्डनर। गार्डनर का मतलब क्या होता है? माली, मैंने बताया था ना अभी। तो गार्डनर क्या कर रहा है? वॉटरिंग द प्लांट्स यानी कि पौधों को पानी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर इज द गार्डनर यानी कि गार्डनर कहाँ है? तो गार्डनर कहाँ होगा? गार्डन में होगा। अब बच्चों अब ऐसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि वॉट इज द गार्डनर डूइंग यानी कि गार्डनर क्या कर रहा है? द गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट्स यानी कि गार्डनर क्या कर रहा है? प्लांट्स को, पौधों को पानी दे रहा है। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हो और भी। तो बच्चों आज हमने एक्टिविटी 1 पढ़ी हेल्पिंग हैंड्स की। अब इसकी आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको एक्टिविटी 1 का काम किस में करना है? अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।